तो भाई लोगों, शैतान मूवी का ट्रेलर तो आप लोगों ने अभी तक देख ही लिया होगा। तो अभी बात करेंगे कि इस मूवी में आखिर हमें कहानी क्या मिलने वाली है और इसकी एंडिंग से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा भाई साहब, जब से ये ट्रेलर आया है कुछ लोग ट्रॉल भी कर रहे हैं कि हाँ पक्का ठीक है, रिमेक है ये मूवी, गुजराती मूवी बस की ये फुल रिमेक है। लेकिन बहुत लोग ये कह रहे हैं कि एज इट इज है, कुछ ज़्यादा मेहनत करी नहीं है। लेकिन भाई जहाँ तक अजय देवगन को मैं जानता हूँ, ऐसी बहुत सी मूवीज हैं भाई, दृश्यम को कैसे बोल सकते हो आप, दृश्यम रीमेक है फुल, लेकिन बाद में जो अपना मसाला तड़का उसमें ऐड किया है भाई, वो मूवी रीमेक नहीं, ओरिजिनल एंड प्योर लग रही थी वही चीज़ भाई। तो ये सारी बातें चल रही थी, तो मैंने सोचा यार चलो ठीक है, अभी देखते हैं कि गुजराती मूवी जो वस है उसका ट्रेलर कैसा है। ट्रेलर देखा भाई, बिल्कुल सिमिलरिटी है, नो डाउट। लेकिन एक आध चीज़ें ऐसी हैं जो भाई साहब शैतान मूवी को बहुत अलग बनाता है, और अजय देवगन वाला जो ट्रस्ट है ना, उस ट्रस्ट को और ज़्यादा पावरफुल बनाता है कि यस कुछ अपग्रेडेड है और वेल पॉलिश्ड है। अभी बात करेंगे सब चीज़ के बारे में, उससे पहले क्या करना है, वीडियो को एक लाइक, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं भाई साहब। वस मूवी का जो ट्रेलर था, अगर थोड़ा सिमिलरिटीज की बात कर लें, तो वस मूवी का जो ट्रेलर था उसमें जो एविल कैरेक्टर की, मतलब जो यहाँ पर आरव आधमन है और वहाँ पर जो वो बंदा था, मुझे नाम नहीं पता है, उसकी जो एंट्री होती है वो गेट के बाहर से होती है। वो बाहर से अंदर आता है, अपनी मेन लीड एक्ट्रेस जानकी बोदीवाला को देखता है जो स्विमिंग पूल में नहा रही होती है, और वो एक साइड व्यू से देखता है। फिर वहाँ से जो है कहानी शुरू हो जाती है, जो एक बार के लिए उस मतलब वस मूवी के जो ओरिजिनल कैरेक्टर है उसमें थोड़ा सा ठरकनेस की भी बात दिखाता है। लेकिन जो यहाँ पर आर माधवन का कैरेक्टर है वो ऑलरेडी अंदर आ चुका है, और यस बहुत सी चीज़ें सिमिलर हैं, लाइक वो चाय पत्ती खाने वाला सीन और उसे वश में करके उसे खुद को ही थप्पड़ मारने वाला सीन, देन उसके बाद उसके खुद के पिताजी के ऊपर हाथ उठाने वाला सीन, ये सारी चीज़ें वो सिमिलर हैं। लेकिन गैस सिलेंडर वाला सीन फिलहाल वहाँ देखने को नहीं मिला मुझको भाई। दोनों ट्रेलर को देख के मुझे नहीं लग रहा था कि बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है। देखो कुछ एक चीज़ें तो होती हैं, लाइक जो मेजर की चीज़ थी कि वो चाय पत्ती खाने वाला सीन जो बहुत ज़्यादा कनेक्ट करेगा ऑडियंस को और अपने ही माँ बाप के खिलाफ में, और दूसरा यार अपने माँ बाप हैं, उनकी बेटी को कोई और वशीकरण मतलब वश में कर रखा है और उससे वो सारी चीज़ें करवा रहा है जो बाय गॉड कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को देखना नहीं चाहेगा। और सामने दुश्मन है, हेल्पलेस कैरेक्टर हैं, और इतने मजबूर हैं कि भाई वो उससे कुछ कर भी नहीं सकते। तो ये चीज़ दोनों में सिमिलर है, लेकिन जो वस मूवी का ट्रेलर था भाई उसमें ना उसके जो इंटेंस था वो थोड़ा ठरकपन वाला देखने को मिला था। लेकिन आर माधवन का यहाँ पर ऐसा कोई इंटेंस तो नहीं लग रहा है। आर माधवन का जो इंटेंस यहाँ लग रहा है वो एक बार के लिए ऐसा लग रहा है कि यार किसी किसी ने या तो इसे किसी ने भेजा है, या तो ये कोई बदला लेने की बात कर रहा है, या चलो ठीक है एक थर्ड एंगल ले लेते हैं कि इसका दिल आ गया उस पर ऐसा इंटेंस लगा नहीं। क्योंकि जिस हिसाब की क्रूएलिटी, जिस हिसाब की निर्दयता इसने दिखाई है उस लड़की के ऊपर, और सामने माँ बाप हैं भाई, खुद को थप्पड़ मार रहा है वो, मतलब मरवा रहा है उस लड़की से, देन उसके बाद खुद उसके पिताजी को कहता है थप्पड़ मारो, और कहता है कि भाई चाकू मतलब कोई भी आए और चाकू से उसे मार दो। और इंडियन मूवीज में हॉरर मूवीज का सिनेरियो क्या होता है कि ठीक है फैमिली ड्रामा में वो हॉरर नेस घुसा दी और आपकी हॉरर मूवी कंप्लीट होगी, वही चीज शैतान मूवी भी कर रही है। तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत कुछ नया देखने को मिल जाएगा, लेकिन भाई कुछ नया एक्सपीरियंस जरूर करने को मिलेगा कैरेक्टर के दम पर, परफॉर्मेंस के दम पर, क्योंकि यहाँ परफॉर्मेंस बहुत दमदार होने वाली है। कुछ नया देखने को मिलेगा, कैसे नया देखने को मिलेगा, देखो इंडियन सिनेमा की मेंटेलिटी ये है कि हॉरर मतलब क्या, गंदा सा चेहरा दिखा दो, भूतिया चेहरा दिखा दो और हो गई तुम्हारी हॉन्टेड मूवी कंप्लीट और हॉरीफाइंग। लेकिन यहाँ क्या है कि भाई साहब तुम्हारे अंदर दिल ही नहीं है, पत्थर है। आर माधवन का वही कैरेक्टर की भी इतनी निर्दयता कैसे हो सकती है, जितना निर्दयी जितना क्रूअल वो हो सकता है वो हो रहा है ट्रेलर में, और मूवी में कितना हो पाएगा उसके लिए एक्साइटमेंट है भाई। दूसरा भाई साहब, इस मूवी से एंडिंग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लाइक भाई वस ओरिजिनल मूवी जो है भाई मैंने तो नहीं देखी है, और ट्रेलर से जितना मोटा मोटा समझ में आया वो एक हिसाब से ठरकपन वाला हिसाब देखने को मिला है। लेकिन लेकिन यहाँ पर शैतान मूवी में भाई तीन चार थ्योरी मेरे हिसाब से बन रही है, प्रिडिक्शंस मेरे हिसाब से बन रही है कि या तो आर माधवन को किसी ने भेजा है, या तो जाने अनजाने में अजय देवगन साहब से या फिर उनकी फैमिली से कोई ऐसी चीज हो गई जो आर माधवन को ठेस पहुंचा रही है, और थर्ड कनेक्शन ये सेट हो रहा है कि
वो जो अनजाने अनजाने में गलती हुई होगी, वो आर माधवन की बेटी के साथ कुछ छेड़खानी या कुछ भी हो गया होगा, ऐसे बहुत से कंटेंट पहले भी बनकर आ चुके हैं। शायद वो उस रिवेंज को फॉलो कर रहा हो, वो बदला लेना चाह रहा हो जय देवगन से, या फिर जो सीधा ट्रेलर से देखने को पता लग रहा है कि आर माधवन सीधे अंदर घुसा, उसकी नज़र उसकी उनकी बेटी पर गई और उसे वशीकरण आता था तो उसने उसे वश में कर लिया और वो सब चीज़ें उससे करवा रहा है जो उसे मजा आ रहा है। बाकी भाई ये 8 मार्च तो आ ही रही है, फिलहाल मैं तो नहीं चाहूंगा मेरे को कुछ भी स्पॉइलर मिले यहाँ से, सरप्राइजिंगली मिलेगा तो मजा आ जाएगा। बाकी देखते हैं भाई मूवी क्या आग फाड़ सकती है। बाकी आपने ट्रेलर देख लिया तो आपको कैसा लगा नीचे कमेंटों से जरूर बता के जाना, और क्या एक्सपेक्टेशन है और कौन सा कैरेक्टर आपका फेवरेट होने वाला है यहाँ पर, आर माधवन का लुक कैसा लग रहा है आपको। मिलते अगली वीडियो पर।